से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि आपको पता है यदि आप टिकटॉक ओपन करते हैं तो टिकटॉक पे आपको 50 से 60% वीडियो आपको स्लोमो और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस तरह के ट्रांजेक्शन इफेक्ट और स्लो मोशन वीडियो किस प्रकार आप बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 से 3 वीडियो शूट कर लेना 4 से 5 सेकेंड तक। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको अलग अलग पार्ट में वीडियो को शूट करना है। वीडियो शूट जब भी करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज्यादा होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से ही वीडियो शूट किया हूं। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे। यदि लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो टीम टू लेफ्ट कर देंगे। राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, टीम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आना है और यहाँ पर आपको 0.5 सेलेक्ट करने के बाद इसे डन करेंगे। शेयर पे आना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। जब आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो इसे आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को आपको 10 से 12 सेकेंड तक कर देना है। इसके बाद ओके करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है और इसे आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आ जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की को इनेबल करना है और इसको आपको कलर की पे आना है और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। जहाँ से आपका ब्लैक कलर स्टार्ट हो रहा है 1.5 या फिर 1.6 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे स्लोमो में उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आगे की तरफ लेकर आना है और आपको देखना है वीडियो कहाँ तक है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से आपको ग्रीन स्क्रीन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 11.5 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो सेकेंड वीडियो स्लोमो में एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है वीडियो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सेकेंड पार्ट का वीडियो आपको देख सकते हैं, हमारा वीडियो मैंने यहाँ से शूट किया हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट कर देते हैं, वीडियो को प्रेस करके रखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ तक लेकर आ जाना है। इसके बाद 11.5 पे आना है, इसके बाद वीडियो प्रेस करके रखेंगे, 11.5 पे आना है, वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद डन करेंगे और इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है, पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद बैकग्राउंड को भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है और आपका जो वीडियो है उस वीडियो को आपको साउंड को म्यूट कर देना है। तो दोनों वीडियो के साउंड को म्यूट कर देता हूँ। यदि आप अपने वीडियो का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहां से कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, सिंपल कलर एडजस्टमेंट पे आना है और इस तरह से एडजस्ट यहां पे कर सकते हैं। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंडर चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।